हाय हेलो नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं रूपा, मैं स्वागत करती हूँ हमारा चैनल रूपसा उड़िया चैनल को। आप लोग कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप लोग सब अच्छे से होंगे। मैं आज कुछ नया शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज जन्माष्टमी का जो मेरा सुबह का पूजा था, मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। यदि मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के पास था जो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और जो मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ फॉलो कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिए। और जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किए हैं, रूपसा उड़िया चैनल को फॉलो करिए। और ट्विटर में भी रूपसा पंडा आईडी को फॉलो कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं मैं कैसा सुबह पूजा किया। देखिए मेरी भगवान को मैं कैसे पूजा किया। कुछ फोटो और वीडियो क्लिप शेयर करती हूँ। देखिए मैं अगले ही दिन से मैं बालकृष्ण जी के लिए कपड़ा और कुछ चीज़ें मैं खरीद लिया था। अगले ही दिन से मैं थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन कर दिया था और घर भी साफ कर लिया था। देखिए पहले मैं बालकृष्ण जी को पहले अच्छे से पंचामृत से मैं नहा लूँगी। देखिए पहले मैं दूध से नहाया। देखिए कितना अच्छा दिख रहे हैं मेरे बालकृष्ण, बिल्कुल बच्चे की तरह दिख रहे हैं। देखिए नन्हे गोपाल, लड्डू गोपाल, देखिए कितना अच्छा दिख रहे हैं। उसके बाद मैं दही से नहाया। उसके बाद मैं थोड़ा सा घी डाला। उसके बाद मैं थोड़ा सा हनी डाला, जिसको हम बोलते हैं महू, उसका शहद। उसके बाद मैं थोड़ा सा गुड़ से बालकृष्ण जी का मुँह को थोड़ा सा साफ किया। देखिए कितना अच्छे से मैं बालकृष्ण जी को नहा रही हूँ, पूरा साफ कर दूँगी पूरा। देखिए थोड़ा सा गुलाब का फूल भी मैंने डाल दिया था। और जब मैं बालकृष्ण जी को नहा रही थी, थोड़ा थोड़ा मैं भजन का गीत भी मैं गा रही थी। आप भी ऐसे करिए, जब भी आप बालकृष्ण जी को नहाते हैं तब आप श्योर भजन गाइए, नहीं तो बालकृष्ण जी का नाम लेते लेते ही आप ऐसे करिए। देखिए पंचामृत से मैंने नहा लिया। उसके बाद ये मैं एक कटोरी में रख दूँगी। ये सब हमारे सब पंचामृत प्रसाद के रूप में वो लेंगे, भगवान जी का प्रसाद है ये। देखिए उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी से, शुद्ध पानी से मैं साफ कर दिया। उसके बाद मैं गंगा पानी से मैं साफ कर दूंगी। देखिए कितना सुंदर दिख रहे हैं बालकृष्ण। ये मैं सुबह सुबह करया था, सुबह सुबह नहा धो के खुद मैंने साफ हो के उसके बाद ये सब मैंने पूजा विधि स्टार्ट कर लिया था। देखिए थोड़ा सा पानी से नहाया, उसके बाद मैंने गंगा पानी से नहाया। उस दिन मेरा उपवास था। मैं उस दिन
खाली पानी और फ्रूट जूस पी जूस ही लिया था और कुछ नहीं खाया था सुबह से लेके रात तक। और रात में जो पूजा हुआ था, मैंने जो पूजा किया था वही मैंने खाया। देखिए बालकृष्ण जी को कितना सुंदर दिख रहे हैं, हमारे बालकृष्ण अन्य गोपाल बाल गोपाल कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। देखिए मैं अच्छे से पूरा पानी सब सुखा देती हूँ, कॉटन के कपड़े से मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। उसके बाद मैं नन्हे गोपाल को थोड़ा सा चंदन सिंदूर देके, जैसे को किसका बर्थडे बच्चे लोगों का बर्थडे होता है तो जैसे चंदन सिंदूर देते हैं, ऐसे ही मैं बालकृष्ण जी को, आज बालकृष्ण जी का भी जन्माष्टमी है बर्थडे है इसलिए मैं उनको भी चंदन और सिंदूर से लगा दिया। उसके बाद देखिए मैं बालकृष्ण जी के लिए अगले दिन से ही दो नया कपड़ा लाया था, जरी वाला एक, और दो आसन भी लाया था और थोड़ा सा ज्वेलरी लाया था। देखिए मैंने पहले चंदन लगा दिया, उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया, कितना सुंदर दिख रहे हैं बालकृष्ण जी, मेरे नज़र न लगे किसी को। देखिए कितना क्यूट दिख रहे हैं, आप भी ऐसे ही करिए। और जब पूजा करते हैं ना आप भजन लगा लीजिए आपके मोबाइल से, नहीं तो खुद ही भजन गा के ऐसे पूजा करिए। देखिए एक मेरा राधा कृष्ण जी का भी फोटो था, उसको भी साफ करके मैंने पूजा के लिए रख दिया है। देखिए एक ड्रेस मैंने पहन लिया बालकृष्ण जी को, और एक झूला मेरा है, मैं झूले से मैं बालकृष्ण जी को बैठा लूँगी और मैं थोड़ा सा झूला झूला लेके झूला में बैठा के झूलाऊँगी, जैसे बच्चे छोटे बच्चे झूला झूला में सुला के झूलाते हैं, ऐसे ही मैं मेरा नन्हे बालकृष्ण जी को झुलाऊँगी। देखिए मैं सारा ज्वेलरी भी पहन लिया और बंसी भी थोड़ा दे लिया, हाथों में पकड़ा लिया। देखिए मैं फूलों से पूरा अच्छे से सजा लिया ठाकुर जी को, तुलसी का फूल, गुलाब का फूल और जो जो मेरे पास फूल था वो सब फूल से मैंने सजा लिया। उसके बाद एक कलश भी बैठा के एक देखिए नारियल से मैं सजा लिया, एक आम का पत्ते था उसको पहले रख के उसके बाद मैं नारियल एक डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा धूप दे दिया। देखिए मेरे नन्हे गोपाल के लिए अपनी पसंद गोपाल मेरे नन्हे गोपाल का पसंद मक्खन और मिश्री, उसके ऊपर थोड़ा सा तुलसी डाल के और पीने के लिए पानी भी ही में तुलसी डाल के और उस वो थाली में थोड़ा सा फूल डाल के मैंने वो रख दिया ठाकुर जी के लिए भोग। ये सुबह सुबह मैंने पूजा किया था। देखिए और देखिए मैं कैसे पूजा किया हूँ, मेरे पास जो जो फल था अगले दिन से ही मैं लाया था बाजार से, जो जो मेरे पास फल था वही मैंने पूजा किया, दीप धूप देके पूजा किया। देखिए मेरे पास थोड़ा सा रंगोली था, रंगोली भी थोड़ा लगा लिया और महालक्ष्मी जी का महालक्ष्मी जी का पैर मैंने उधर दोनों किया है, अब वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैं पूरा डेकोरेशन में दिखा रही हूँ आपको, मैं कैसे डेकोरेशन किया हूँ, अच्छा लगता है ना, जैसे जैसे हमारा किसका बर्थडे होता है तो हम भी डेकोरेशन करते हैं, ऐसे आज भी हमारे नन्हे गोपाल का बर्थडे है इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। बहुत सुंदर दिख रहे हैं आज मेरे बाल गोपाल, देखिए सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए
पहले मैंने मेरे जो और जो मेरे भगवान हैं घर में, वो पहले मैंने पूजा कर लिया था। उसके बाद ये सब बालकृष्ण जी का भोग, सब बालकृष्ण जी को अभिषेक किया। उसके बाद मैंने बालकृष्ण जी को भोग लगाया। देखिए कितना सुंदर दिख रहे हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखिए। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, श्योर मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण श्योर लिखिए। और मेरे फेसबुक में मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए और ट्विटर में भी फॉलो कीजिए। वह सब सब लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, आप जाकर मुझे फॉलो कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर दिख रहे हैं झूला में। लास्ट में मैं झूला में बैठा के मैं ठाकुर जी को झूला झुलाया। ये मेरा सुबह का पूजा है। देखिए ये सब सास सब मैंने ये सब सजाने के लिए मुझे पूरा 2 घंटा लग गया था और मेरा पूजा ख़त्म होते होते 10 बज गया था सुबह का। देखिए रखती हूँ।